नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। चांडिल कपाली ओपी अंतर्गत डोबो सोनारी न्यू बाईपास सड़क पर ऑटो और कार में हुई जोरदार भिंडंत। ऑटो में 3 लोग थे सवार, 2 सब्जी विक्रेता और 1 था चालक। तीनों की हालत गंभीर, एमजीएम में चल रहा इलाज। कार में सवार चारों को लगी हल्की चोट, सभी मौके से फरार। पुलिस पहुंची, घटनास्थल पर कर रही है जांच। टेम्पो और फुल व्हीलर गाड़ी है, दोनों अपना तेजी लापरवाही से चलते, दोनों अपन में टक्कर खा गई है, जिसमें 3 को पैसेंजर टेम्पो पर था, 5 को चोट लगा है, जिसको एमजीएम भेज दिया गया है। दो टेम्पो और जो भी वो गाड़ी की क्षतिग्रस्ती हुआ उसको क्या स्थिति है घायलों की? ठीक है, कोई हल्का चोट नहीं। और ये कार वाले लोग जो है, कार वाला भाग गया है, लेकिन उसको भी चोट लगा है, गिरते गया है, लेकिन यहाँ सरकार फोन कर रहा है। कैसे कहे, जब तक देखे हैं मेला यहाँ पर जगह में लगा है, वहीं से इसी के चलते यहाँ पर है। अभी आप लोग जांचबीन कर रहे हैं। जी जी। जमशेदपुर कृषि कानून मिल के खिलाफ झामुमो किसान मोर्चा 10 फरवरी से हर प्रखंडों में धरना प्रदर्शन करेगी। फरवरी 10 तारीख से 2 महीना तक लगातार हर प्रखंड में पोटका, घाटशिला, बोहड़ा बोड़ा, जमशेदपुर, पूर्वी पश्चिम, हर विधानसभा में, हर ब्लॉक में जा करके हम लोग किसान के काला कानून के खिलाफ आंदोलन करेंगे और कानून के को एकदम निरस्त करने का काम करते हुए हम चाहेंगे केंद्र सरकार किसानों के हित में बिल लाए। यही कहना चाहते हैं, जिस तरीके से ये आज सरकार 7 साल से अपने नाकामी को छुपाने के लिए, किसी भी आंदोलन को बिगाड़ने के लिए अपने दल्ले लोग को भिड़ा के जिस तरीके से आंदोलन को कुचलने का प्रयास कर रही है, देश की जनता देख चुकी है इन लोग का मनसा को। आने वाला दिन में निश्चित रूप से इस देश की जनता आज किसान के साथ है और हम लोग भी हर किसान का घर घर जाके आंदोलन को और मजबूत देने का काम करेंगे।